डियर स्टूडेंट, योर वेलकम बैक। आई एम राजीव कुमार गुप्ता एज ए साइंस टीचर। ये आप देख रहे हैं यहाँ साइंस की बुक्स है, ये आपके सेकंड क्लास की। तो आज मैं सेकंड क्लास का साइंस के बारे में बताऊंगा। इसमें आपने देखा पिछले टर्म पर हमने आपको ये होमवर्क में फ्रूट्स नेम दिए गए थे। ये फ्रूट्स नेम में आपको कलर भरने थे एंड इनके राइट द नेम है और इनका नाम लिखना था। कलर भरकर आपने इनके नाम लिखे होंगे, ये पूरा हो गया होगा होमवर्क। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन आता है कि आप देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान भरना। तो पहले क्वेश्चन में आपने पहला नंबर है इसमें फाइबर ऑफ कॉटन प्लांट्स इज यूज टू मेक, फाइबर ऑफ कॉटन प्लांट्स इज यूज टू मेक खाली स्थान, इसमें आपको भरना है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, पहले आप समझ लें वीट राइस एंड वाई आर खाली स्थान। नेक्स्ट है रबर इज मेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ खाली स्थान, एक स्थान जो दिया है। फिर ब्लैक्स फोर नंबर देखेंगे ग्राम एंड सोयाबीन आर फिल इन द ब्लैंक्स। ऐसे नेक्स्ट फाइव नंबर्स है फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है पहले, फिर दिया गया आगे इज यूज्ड मेडिसन। नेक्स्ट सिक्स नंबर दिया गया लास्ट है वी गेट ऑयल फ्रॉम फिल इन द ब्लैंक सीड। अब इन फिल इन द ब्लैंक्स को हमको भरना है, तो देखें किस तरीके से भरना है। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने पूर्ण किए हैं, इसमें आपको समझना है। देखें इसे फिल इन द ब्लैंक्स ये दिया गया है आपका। तो पहला है, अभी आप मैंने पढ़ के बताया फाइबर ऑफ कॉटन प्लांट्स इज यूज टू मेक, खाली जगह में हमने भरा क्लोथ्स बैग। क्या भरा? क्लोथ्स बैग। तो ये हमारा पहला पूर्ण होता है इसी के साथ। नेक्स्ट सेकंड नंबर आता है वीट राइस एंड माइज आर सेरेलस, वीट राइस एंड माइज आर सेरेलस, तो ये दूसरा आपका सेकंड पूर्ण होता है। थर्ड में आप देखेंगे तीसरा नंबर नेक्स्ट रबर इज मेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ रबर ट्री, रबर इज मेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ रबर ट्री। तो इसमें थर्ड में आपने क्या भरा? रबर ट्री। तो आपका तीसरा ये फिल इन द ब्लैंक्स पूर्ण होता है। नेक्स्ट आप फोर नंबर पर आएंगे ग्राम एंड सोयाबीन आर पल्सिज। तो इसमें क्या भरा गया? पल्सिज। इस तरीके से ये भी पूर्ण होता है। नेक्स्ट आपका फाइव नंबर सा है फिल इन द ब्लैंक्स पहले दिए गए, तो इसमें पहले में हम भरते हैं नीम इज यूज मेडिसन। तो इसमें क्या भरा गया? नीम इज यूज मेडिसन। नेक्स्ट लास्ट है सिक्स नंबर, आप देख रहे हैं यहां दिया गया है वी गेट ऑयल फ्रॉम कर्सिस सीड। तो इस तरीके से आपका फिल इन द ब्लैंक्स ये पूर्ण होता है। फिर आप नेक्स्ट अपना ये थर्ड क्वेश्चन पर आएंगे, ये सेकंड क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स पूर्ण होता है। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है राइट ट्रू टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, यानी नीचे दिए स्टेटमेंट्स को ट्रू और फॉल्स टी एंड एफ में लिखना है, खाली जगह भरना है। तो इसमें आप देखेंगे ये दिया गया है यहाँ पर, पहला है लेडी फिंगर पोटैटो टोमेटो आर फ्रूट्स, तो ये हमको ये लिखना है। अगर ट्रू है तो टी, फॉल्स है तो एफ। इसी प्रकार दूसरा सेकंड है, पहले समझ लें वी गेट फूड ग्रेन्स एंड ऑयल्स फ्रॉम प्लांट्स। नेक्स्ट थर्ड नंबर देखेंगे वीट राइस एंड माइज आर नो ए सेरेलस, ऐसी नेक्स्ट है फोर नंबर प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन। नेक्स्ट लास्ट है फाइव नंबर दी सनफ्लावर ऑयल इज यूज फॉर कुकिंग फूड, द सनफ्लावर ऑयल इज यूज फॉर कुकिंग फूड। तो ये फाइव स्टेटमेंट्स इसमें दिए गए हैं, इसमें आपको देखना है कि हमारे सही हैं या गलत हैं। सही है तो ट्रू है तो टी लगाएंगे और फॉल्स है तो फॉल्स के लिए एफ हम लिखेंगे। तो ये आप देखते हैं इसमें यहाँ बताया गया है, पहला अभी मैंने बताया था लेडी फिंगर पोटैटो टोमेटो आर फ्रूट्स, तो ये क्या है? फॉल्स है, तो यहाँ पर हम एफ लगा देंगे। दूसरा सेकंड है वी गेट फूड ऑफ ग्रेन्स एंड ऑयल्स
फ्रॉम प्लांट्स, ये सही है, तो इसके लिए हम ट्रू के लिए टी लिखेंगे, टी लिखा हुआ है तो टी भरेंगे। थर्ड में आप देखेंगे व्हाइट वीट राइस एंड माइज आर नो जाए सेरेलक्स, तो ये भी टी है, ट्रू है, तो इसके लिए टी भरा हमने। फिर नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस है प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन, प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन, ये टी है, तो इसको भी हमने ट्रू वे टी भरा है। ऐसे ही नेक्स्ट लास्ट है फाइव नंबर्स, इसमें आप देखेंगे द सनफ्लावर्स ऑयल इज यूज फॉर कुकिंग फूड, द सनफ्लावर ऑयल इज यूज फॉर कुकिंग फूड, ये ट्रू है, तो इसके लिए क्या भरा गया टी। तो ये हमने इस तरीके से आपका राइट ट्रू एंड फॉल्स भी पूर्ण होता है, इस तरीके से आप ये पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको होमवर्क में क्या करना है इसके लिए देखते हैं आप, नेक्स्ट अपनी आप देखें अपनी बुक्स में, ये होमवर्क अगला पेज जो दिया गया है इसमें आपको इनको रेखाओं द्वारा मिलाना है, मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी, मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी, यानी ए कॉलम को बी कॉलम से मैच कराना है। इधर नाम दिए गए हैं, इधर इनके पिक्चर्स दिए गए हैं, तो इन पिक्चरों को देखकर इसको मैच करना है। थैंक्स, आपका ये चैप्टर पूर्ण होता है, धन्यवाद।